नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो डायमेंशंस है, जो एनालिसिस है, इसकी एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशंस क्या कहती है कि आप कन्वर्जन करोगे, किसका कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट, कि आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्जन करोगे। जैसे SI है, इसको हम किस में करेंगे, CGS में, या फिर बात कर लेते हैं CGS को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, SI के अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला देखो, लेट ए फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है x, किसके बराबर आपके पास है, n इंटू में u के बराबर है। n क्या है, कोई नंबर है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। u क्या है, इसकी यूनिट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब x क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायमेंशन बनेगा, यूनिट होगी तो यूनिट का कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एक डायमेंशन बनेगा। डायमेंशन माना कि x क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी दे रखी है, जैसे SI की दे रखी है, मान ले वो किसके बराबर रही, n1 इंटू में इसका डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर a, l की पावर b इंटू में t की पावर है c के बराबर है। एक और अनदर क्वांटिटी दे रखी है आपको, वो क्या है, वो क्वांटिटी n2 में है, डिफरेंट है। डायमेंशन फॉर्मूला देखो, इसका m1 l1 t1 लिया मैंने, यह क्या आएगा, m2 की पावर a, L2 की पावर 2 इंटू में T2 के पावर, सॉरी L2 की पावर B इंटू में T2 की पावर C रहेगा। ये आपके पास दो क्वांटिटी है, इधर और इधर। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माना मैंने, क्या किया मैंने, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों को क्या किया, कंपेयर करवाई। कंपेयर करवाई तो आप कैसा लिख सकते हो, N2 M1 L2 की पावर M1 N2 M2 की पावर A L2 की पावर B इंटू में T2 की पावर है C। इसी प्रकार N1 M1 की पावर A L1 की पावर B इंटू में T1 की पावर क्या रहेगी, C के बराबर है रहेगी। N2 क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है, तो N2 मैंने यहाँ पे फाइंड आउट के लगा दिया। N1 बाहर रहेगा, क्या लिख सकते हैं, M1 अपॉन है M2 की पावर A लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ है इंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या रहेगा, L1 अपॉन L2 की पावर कितनी आ जाएगी, B इंटू में T1 अपॉन T2 की पावर कितनी आ जाएगी, आपके पावर है C आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या एक जर्नल फॉर्मूला आ गया कोई भी ऐसा यूनिट को कन्वर्जन करने के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैक्सिमम नंबर में क्या आते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो देखो क्या रहेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट 10 जूल टू अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कि 10 जूल को अर्ग के अंदर कन्वर्ट करो, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डायमेंशन एनालिसिस से ही लगाना है, मतलब कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर आपको चेंज करना है। तो फॉर्मूला भी निकाला था, क्या था हमारे पास, एन टू विच इज इक्वल टू एन वन M1 by में M2 की पावर A into में L1 by में L2 की पावर क्या रहेगी, B into में L T1 by में T2 की पावर क्या रहेगी, आपके पास है C। अब जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, वर्क की होती है। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या रहता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस है टू। यदि पता नहीं है तो बहुत ईजी है, देखो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। फोर्स किसका फॉर्मूला क्या रहता है, एम एल टी माइनस टू इंटू में एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम यही डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा। देखो एन वन की वैल्यू दे रखी है कितनी, इसमें एन वन किसके बराबर है आपके पास है, टेन के बराबर है, टेन जूल दे रखा है ना, ठीक है। इसी प्रकार टेन जूल दे रखा है तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो, ए की पावर कितनी दे दी यहाँ पे, इस डायमेंशन से हम कंपेयर कराएंगे तो ए की पावर कितनी है आपके पास वन, बी की पावर कितनी है टू इंटू में टी की पावर कितनी है आपके पास माइनस टू। तो देखो ये फॉर्मूला है, इसको हम इसके साथ क्या कराएंगे, डायरेक्ट
कंपेयर कराएंगे तो ए बी और सी की पावर, सॉरी सी की पावर क्या आ गई आपके पास है, तीनों की पावर आ चुकी है। तो अब इसको कंपेयर कराना है तो इनको इसके ऐसा यूनिट में लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, एन टू अर्घ क्या होती है, अर्घ देखो ये क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है किसकी, वर्क की। अर्घ क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है किसके, वर्क की। तो एन टू ऊपर 10 जूल, जूल ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है तो इसको हम केजी के अंदर लिखेंगे। एम वन किसके अंदर है, केजी के अपॉन, यदि सीजीएस में बात कर लेते हैं तो मास सीजीएस के अंदर किस में मापा जाता है आपके पास है, ग्राम में मापा जाता है कि पावर कितनी होगी, 1 इंटू में एल वन। देखो यहां पे क्या दे रखा है, एल वन, एल वन किसकी यूनिट होगी यहां पे, एसआई यूनिट कहलाएगी। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर है 2 आ जाएगी। इसी प्रकार टी, टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो मैंने क्या लिख दिया, सेकंड अपॉन सीजीएस यूनिट में क्या होती है आपके पास है, सेकंड होती है, सेकंड की पावर कितनी आ जाएगी, -2। यहां तक हमारा फंडा हो गया। एन वन से मल्टीप्लाई थी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ है, 10 के साथ, तो एन टू विच इज इक्वल टू, अब किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे ताकि ये यूनिट एक दूसरे से क्या कर उसके हमारी कट हो सके। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो देखो क्या होगा, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके पास, 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन क्या लिखूंगा मैं, ग्राम, ग्राम की पावर 1। मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में, अपॉन क्या लिख देंगे हम, सेंटीमीटर की पावर 2 इंटू में सेकंड से सेकंड कट ही जाएगा, मतलब इसका काम खत्म, इंटू में मैं क्या कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एन टू की वैल्यू देखो, अब क्या करना है आपको, एन टू की वैल्यू फाउंड आउट करनी है, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1000 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 100 का 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू में स्केयर, बाहर ब्रैकेट में लगा हुआ है, इंटू में 10, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो एन टू की वैल्यू आ जाएगी 3 और 4 कितना हो गया, 7, और 1 यहाँ पे है तो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर है 8। तो मतलब एक जूल के अंदर कितने अर्घ हो गए आपके पास है, 10 की पावर, सॉरी 10 जूल के अंदर कितने होंगे, 10 की पावर 8 है अर्घ होंगे। ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, हमने किससे निकाला, डायमेंशन एनालिसिस से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया है। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हम, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 डायन, किसकी, 100 डायन की, ऑन ए सिस्टम बेस्ड मीटर, किलोग्राम एंड मिनट ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये क्या दे रखा है आपको, फोर्स दे रखा है, फोर्स के ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, स्टेप फर्स्ट तो आपका यही होगा कि फोर्स के ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, सो डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या रहता है, एम एल टी माइनस 2 के बराबर रहता है। दूसरा हम क्या करेंगे, डायमेंशंस है उसको कंपेयर कराएंगे, हम ए की वैल्यू निकालेंगे किसके बराबर आएगी, ए की पावर यहाँ पे 1 है, बी की पावर भी 1 है, और टी की पावर, सी की पावर कितनी आपके पास है, -2 है। तो अब आपके पास फॉर्मूला था, क्या था, एन टू की वैल्यू निकालनी हो, यदि हम क्या कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर रहे हैं वन टू अनदर, तो एन वन के बराबर होता है क्या, एम वन बाय में एम टू की पावर ए इंटू में एल वन बाय में एल टू की पावर सी इंटू में टी वन बाय में टी टू की पावर क्या रहे, सॉरी एल वन बाय में एल टू की पावर बी इंटू में टी वन बाय में टी टू की पावर क्या रहती है, सी के बराबर रहती है। तो अब सी जी एस यूनिट आपको दे रखी है, किस में चेंज करना है, एस आई यूनिट में चेंज करना है। सी जी एस यूनिट का एम वन की वैल्यू किस में आएगी आपके पास, देखो 100 डायन है तो मतलब एम वन किस में होगा, 1 ग्राम दे रखा होगा। दूसरा बात कर लेते हैं, देखो यूनिट होती है, डायन किसके बराबर होता है, यदि बात करते हैं डायन किसके बराबर होता है, ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब 1 ग्राम दे रखा होगा। एल वन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा होगा, 1 सेंटीमीटर, टी की बात करेंगे
किसकी t1 की बात करेंगे तो किसके बराबर दे रखा होगा आपके पास है 1 है, सेकंड के बराबर दे रखा होगा, और n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 100। तो ऐसा है यूनिट के अंदर m1 की वैल्यू किसके बराबर रहती है, इसने कहा कि किसमें मास है वो किसमें होना चाहिए आपका किलोग्राम में होना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 है kg के बराबर। l1 वो किसमें होनी चाहिए मीटर में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए तो हम क्या लिख देंगे 1 है मीटर। और t1 वैसे तो सेकंड होता है, इसने कहा कि आप किसमें निकालिए मिनट में निकालिए, तो हम किसमें निकालेंगे 1 है मिनट में निकालेंगे। और n2 की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है, ये सारे की सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है n2 विच इज इक्वल टू n1 वैल्यू 100 इंटू में m1 किसके बराबर है 1 ऑफ ग्राम इंटू में 1 ऑफ किलोग्राम इंटू में ये l1 है वो किसके बराबर है 1 ऑफ सेंटीमीटर अपॉन ये किसके बराबर है 1 ऑफ मीटर। मीटर की पावर कितनी है 1 है, a की पावर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे b की पावर भी कितनी दे रखी है 1 दे रखी है डायमेंशन फॉर्मूले से, और t1 1 सेकंड अपॉन 1 मिनट की पावर कितनी रहती है -2। अब इसको सोल्व आउट करते हैं 100 ऐसे कैसे, अब ग्राम है इसको चेंज किस में करना, हमें किलोग्राम में चेंज करना है ना, सारे की सारी वैल्यू है वो किस में चेंज करनी है आपको किलोग्राम के अंदर क्या करनी है चेंज करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम, ऐसे अपॉन किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ऑफ ग्राम रहते हैं, 1 सेंटीमीटर ऐसे के ऐसे अपॉन 1 मीटर में कितने होते हैं 100 ऑफ सेंटीमीटर होते हैं टाइम 1 सेकंड, ऐसे के ऐसे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास है 60 सेकंड होते हैं कि पावर -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम, तो वैल्यू कितनी आ गई 100 इंटू में 1 अपॉन 1000, 1000 को कितना लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू में 1 अपॉन कितना आ जाएगा 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 1 अपॉन 60 की पावर कितनी आ जाएगी -2। तो इसको हम क्या करते हैं अब सोल्व आउट और करते हैं, फर्दर सोल्व आउट करने के लिए 100 10 की पावर ऊपर गई -3 और ये वाला भी जाएगा तो -2, तो मतलब कितना हो गया 3 और 2 माइनस का 5, 100 को लिख दिया मैंने 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर -5, यहाँ तक सोल्व हो गया 1 अपॉन 60, तो 60 इंटू में 60 कितना होता है 3000 है 600 होता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे जब नीचे था किस में था भाई ये 1 अपॉन 60 था, ऊपर जाएगा तो प्लस क्या लिखोगे आप माइनस का 1 अपॉन 60 नीचे है ऊपर आएगा तो 60 की पावर -1 माइनस माइनस से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगी कट किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं देखो सीधा लिख देता हूँ इसको कितना 3600 लिख सकते हैं, कैसे लिखा हमने 1 अपॉन 60 था की पावर कितनी थी -2 था, तो 60 को ऊपर लेके जाएंगे तो 60 की पावर कितनी हो जाएगी -1 इंटू में ऊपर कितनी है -2, -2 से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा 10 की पावर है 60 बचेगी 60 की पावर 2 बचेगी, तो वैसे मैंने इसको सोल्व करके यहाँ पे क्या लिख दिया सीधा लिख दिया। इसको और फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो 10 की पावर 2 यहाँ पे है और 10 की पावर 2 कितना होगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 में से जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर -1 बचेगा, क्या लिख सकते हो आप 3.6 इंटू में 10 की पावर -1, या फिर क्या लिखोगे आप 3.6 लिख सकते हो इसको, ये आपके पास क्या रहेगी न्यू यूनिट रहेगी, ये आपको ऐसे आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, आपकी रेफरेंस बुक में और भी दे रखे होंगे आप सोल्व कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप